दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद, आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीवो V15 में जो नया अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में कि क्या इसकी साइज है, क्या इसका वर्जन है और क्या कुछ इस अपडेट में आपको देखने को मिले हैं। हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि आपके वीवो V15 प्रो में जो नेक्स्ट अपडेट है वो कब तक आएगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि वीवो V15 प्रो में नेक्स्ट अपडेट कब तक आने के चांस है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखते हैं कि वीवो V15 में क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये राजकुमार जी हैं, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि वीवो V15 का जो ओल्ड वर्जन है वो 6.17.2 है और जो नया अपडेटेड वर्जन है वो है 6.17.3। और इसकी साइज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 153 MB के आसपास की साइज है। और इस अपडेट में क्या कुछ देखने को मिला है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, सिस्टम में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है, वो भी मैं दिखा दूंगा कि सिक्योरिटी पैच क्या मिला है इस अपडेट में। और साथ में दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि जो आपका SD कार्ड का जो प्रॉब्लम था, जब हम SD कार्ड इंसर्ट करते थे तो वो शो नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट में फिक्स किया गया है। तो मैं एक बार आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि सिक्योरिटी पैच क्या है इस अपडेट के बाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस अपडेट के बाद सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यानी दिसंबर का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। और दोस्तों, कुछ ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं। आप देख सकते हैं आई मैनेजर का भी लुक पहले जैसा है। हालांकि दोस्तों, और सारे सेटों में जो अपडेट आया है इस तरह का, जैसे वीवो Z1X है और वीवो का आपका S1 Pro है, वीवो V17 है, इन सारों में कई में आपको ऐप ड्रॉवर का भी ऑप्शन मिला है। और Z1X में आपको यहाँ पे जो आई मैनेजर है, एक तरह से पूरी तरह से उसमें चेंज कर दिया गया है, उसका लुक ओरिजिन OS की तरह दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो रहा आपके वीवो V15 Pro में जो अपडेट आया उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि वीवो V15 Pro में नेक्स्ट अपडेट कब तक आने के चांस है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि वीवो के बहुत सारे ऐसे फोन हैं, जैसे Z1X, वीवो Z1 Pro, यहां तक कि वीवो S1, S1 Pro, ऑलरेडी इन सारे फोनों में एक अपडेट आ चुका है जिसमें सिक्योरिटी पैच के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल फीचर भी मिले हैं, जैसे कुछ में ऐप ड्रॉवर और कुछ में आई मैनेजर को अपडेट किया गया है। वीवो V15 Pro ही एक ऐसा सेट बचा है जिसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं पुश किया गया है। तो बहुत ज्यादा चांस है दोस्तों कि इस महीने के एंड तक आपको वीवो V15 Pro में एक अपडेट देखने को मिलेगा। खैर, वो तो नहीं बता सकते कि क्या कुछ इसमें एडिशनल फीचर मिलेगा, वो आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।